हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोलते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। इस्कीमिया मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल कम होना। जब हमारे हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसका काम होता है ब्लड को सप्लाई करना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कोरोनरी आर्टरीज है इसका काम है हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लिपिड बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज में वो आर्टरीज या तो नैरो हो जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमारा प्लैक फॉर्मेशन कर रहा है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लैक फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है, प्लैक फॉर्मेशन की वजह से। प्लैक फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है कोरोनरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से आर्टरी नैरो होगी या हमारी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक होगी तो हमारा ब्लड सप्लाई या तो बंद हो जाएगा या प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल एंड न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फंक्शनिंग है हार्ट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ISD इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम, जो हार्ट की तीन लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम वाली लेयर है उसमें क्या होता है, जो प्रॉपर सप्लाई होनी है ब्लड की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। जब कोई कोरोनरी आर्टरीज है इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करना, किसको, हार्ट को। तो यहाँ पे क्या है, जब अगर ब्लड बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लैक फॉर्मेशन होगा। प्लैक फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लैक की वजह से हमारा जो सप्लाई है वो कम हो रही है, और जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्लैक फॉर्मेशन की वजह से। और प्लैक फॉर्मेशन की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो रही है और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिया मतलब ही होता है ऑक्सीजन लेवल कम होना या ब्लड लेवल कम होना, या ब्लड सप्लाई हमारा क्या है, यहाँ पे कम हो गया और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज होगी। अब इसमें फर्स्ट डिजीज की बात करें तो फर्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस को हम इस्केमिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं। एंजाइना क्या है, एक हमारा क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय एपिसोडिक ऑफ पेन और प्रेशर इन द सेंटर ऑफ चेस्ट। इट अकर व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट गेट एज मच ब्लड एंड ऑक्सीजन एज इट नीड्स बिकॉज ऑफ नैरो और ब्लॉक कोरोनरी वेसल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है। वो पेन कब होता है, जब हमारे हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है वो नैरो हो रही है या ब्लॉक हो जा रही है। ब्लॉक होगी तो हमारा प्रॉपर नैरो होगी या ब्लॉक होगी तो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे और सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट की बात करें तो क्रोनिक, सेकेंड प्रिज्मेटल और थर्ड है अनस्टेबल। क्रोनिक को हम स्टेबल भी बोलते हैं, टिपिकल भी बोलते हैं और क्लासिकल एंजाइना भी बोलते हैं। प्रिज्मेटल को वैसोस्पाज्म एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। अब फर्स्ट बात करते हैं क्रोनिक। क्रोनिक एंजाइना है उसको स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं, क्लासिकल एंजाइना भी इसको हम बोलते हैं। और फर्स्ट बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। स्टेबल एंजाइना जो होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। इस कंडीशन में, जो स्टेबल एंजाइना की कंडीशन है, इसमें हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे प्लैक फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया, बट ये क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे अगर कोई सपोज दैट कोरोनरी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज का काम है ब्लड सप्लाई करना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा तो प्लैक फॉर्मेशन होगा, जो
जो कि क्या होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होगी। तो प्लेक फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है हमारी हार्ट को वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्टेबल एंजाइना। बट ये हमारा जो चेस्ट पेन हो रहा है, स्टेबल एंजाइना की कंडीशन कब ज़्यादा हो रही है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लार्ज मील लेते हैं या इमोशनल एंड स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं। तो इन दिस एंजाइना नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक फॉर्मेशन, टिश्यू बिकम स्कीमिक पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी एंड पेन इज ट्रिगर्ड। और पेन कब स्टार्ट हो रहा है हमारा, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लार्ज मील ले रहे हैं और इमोशनली या स्ट्रेस में है। तो यहाँ पे बात करें तो कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम ऑलरेडी हमारे हार्ट में प्लेक फॉर्मेशन हो, कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पे हम ऑलरेडी ऑक्सीजन की डिमांड क्या है, यहाँ पे बढ़ रही है। बट हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी, जब हम हैवी विलेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जा रही है। सप्लाई कम क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इस चेस्ट में पेन होने लगता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। यहाँ पे प्लेक हमारा स्टेबल है, बट हम ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग हैवी मील या स्ट्रेस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड। डिमांड किसकी बढ़ रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन की, और सप्लाई किसकी हो रही, कम हो रही है, ब्लड की, किसकी वजह से, प्लेक फॉर्मेशन की वजह से। इसीलिए इस कंडीशन को स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिजमेंटल एंजाइना। प्रिजमेंटल एंजाइना की बात करें तो प्रिजमेंटल एंजाइना में इसको वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। इस टाइप के एंजाइना जो होते हैं वो हमारी यूजुअली जो होते हैं कब होता है, ये मिड नाइट और अर्ली मॉर्निंग के बीच में होता है। ये एटलीस्ट 30 मिनट तक हमारा क्या होता है, 30 मिनट तक जो होता है वो पेन हमारा रहता है। और इसमें जो प्रिजमेंटल एंजाइना है, इसमें जो हमारा प्रिजमेंटल एंजाइना कॉज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जब जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें हमारा वैसोस्पास्म हो रहा है। इस वाले पोर्शन में आर्टरी क्या हो जा रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है। कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू द वैसोस्पास्म। वैसोस्पास्म की वजह से ब्लड फ्लो क्या, सप्लाई क्या होगी, फर्स्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन बन रहा था जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आर्टरीज हैं वो क्या, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वैसोस्पास्म हो जा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है। कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे हो रहा है, ये कोरोनरी आर्टरीज में हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्रिजमेंटल एंजाइना। अभी इसमें जो पेन अकर होता है, हमें पेन स्टार्ट होता है, वो स्प्रेड होने लगता है चेस्ट टू हेड, शोल्डर, आर्म की तरफ स्टार्ट होने लगता है। हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना थर्ड टाइप का एंजाइना है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में इनकम्प्लीट ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, प्लेक रप्चर्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लॉट, देन रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो सो दैट द ऑक्सीजन सप्लाई इज ईदर इनएडिक्वेट एट लीस्ट एट रेस्ट। ये भी सेम कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन में होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेक बना हुआ है वो रप्चर्ड हो जाता है। रप्चर्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड निकलेगा, इंजरी होगी, इंजरी होगी तो वहाँ पे क्लॉट भी फॉर्म, क्लॉट फॉर्मेशन भी होने लगेगा। साथ ही साथ क्या होगा, प्लेटलेट का एडिशन होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ब्लड निकल रहा है तो प्लेटलेट्स बनेंगे, क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो प्लेटलेट एडिशन होगा, एग्रीगेशन होगा, और प्लेक क्या हो रहा है हमारा, रप्चर्ड हो रहा है। तो इसमें कम्प्लीटली ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। इसमें ये कब होता है, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। और इसमें जो पेन होता है वो भी हमारा क्या होता है, चेस्ट, आर्म, बैक, नेक, जॉ, इस पूरी एरिया में स्प्रेड होता है। अब कॉज या इटियोलॉजी फैक्टर की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, स्मोकिंग की वजह से, ओबिसिटी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से होता है, हाई
ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, ईटिंग हैवी मील, इमोशनल स्ट्रेस एंड फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। अब साइन सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या साइन है, क्या क्या सिम्टम्स हैं। फर्स्ट है चेस्ट पेन होगा हमें, अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो स्प्रेड होगा, जॉ में होगा, आर्म में होगा, शोल्डर में होगा, नेक में होगा और बैक वाले फॉर्म, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट और बर्निंग फील होगा हमें, स्वेटिंग होगी, डिजीनेस आएंगे, डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, हैवी सेंसेशन इन अपर चेस्ट, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, अगर एंजाइना है तो हो सकता है कि हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। एरिथमिया, एरिथमिया जो हमारी हार्ट की रिदम है वो ऊपर या नीचे हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है अगर एंजाइना हमें है तो। और नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, अब जो एंजाइना है वो होता कैसे है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है हमारे, इटियोलॉजिकल जो फैक्टर हैं वो हमारे स्मोकिंग हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फैमिली हिस्ट्री, उसको हम क्या बोल रहे हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिनकी वजह से क्या होता है इटियोलॉजी फैक्टर की वजह से हमारा वैसोस्पाज्म होता है, मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएंगी या कॉन्स्ट्रिक हो जाएंगी या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस वहाँ पे होगा, प्लेक फॉर्मेशन होगा। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे सपोज दैट ये हमारे कोरोनरी आर्टरी है, इटियोलॉजी फैक्टर की वजह से अगर हम हैवी मील ले रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई, अगर ब्लड में हमारा हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो वहाँ पे क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा ब्लड सप्लाई क्या हो रहा है, या वैसोस्पाज्म होगा तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, कहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से मायोकार्डियल वाले पार्ट में हमारा क्या होगा ऑक्सीजन की डिमांड के लिए, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई और डिमांड के बीच में डिसबैलेंस होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा क्या होगा ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा बॉडी में कम हो जाएगा, जिसको हार्ट में कम हो जाएगा उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम होना, जिस अब ये सब हाइपोक्सिया होगा तो जब हमारा सप्लाई कम हो जाएगी और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से हमें क्या होगा पेन स्टार्ट होगा, पेन होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब इस कंडीशन को अगर एंजाइना वाला पेशेंट है तो उसे कैसे डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो ECG करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, चेस्ट का एक्सरे करेंगे, MRI या CT स्कैन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड में हम फैट और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेजर करते हैं और कार्डियक बायोमार्कर को चेक करेंगे। कार्डियक बायोमार्कर वो होते हैं अगर एंजाइना जिसमें हमारी क्या होती है हार्ट कंडीशन, हार्ट अटैक वाली कंडीशन या हार्ट की जो डिजीज़ है उस कंडीशन में हमारे मार्कर का लेवल बढ़ जाता है, ट्रोपनिन और मायोग्लोबुलिन ब्लड में इनका लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, किस कंडीशन में, जब एंजाइना वाला पेशेंट होगा तो उस कंडीशन में हम इस बायोमार्कर के थ्रू पता कर सकते हैं कि एंजाइना का जो केस है वो कितना है। अब नेक्स्ट बात करें तो ट्रीटमेंट की, कैसे मैनेज करेंगे हम इस चीज़ को मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो एस्प्रिन हम इसमें देंगे। एस्प्रिन किस कंडीशन में दी जाती है, सपोज दैट कोरोनरी आर्टरीज में यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होने के बाद रप्चर्ड हो गया, इंजरी हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, तो ये क्या करता है जो एस्प्रिन है वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं बनने देता, अगर क्लॉट फॉर्म यहाँ पे इंजरी हो रही है ब्लड निकल रहा है तो क्लॉट बनेंगे, क्लॉट बनेगा तो ये ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक होगी तो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, तो एस्प्रिन क्या करता है इस क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। ओके, नेक्स्ट बात करें नाइट्रेट्स की, तो नाइट्रेट क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं हमारी ब्लड वेसल्स, उनको क्या करेगा रिलैक्स करने का काम करेगा, यहाँ पे क्या करेगा जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है उनको क्या करेगा रिलैक्स करेगा, जिससे की वजह से प्रॉपर सप्लाई होगा, इसको सबलिंगुअली लिया जाता है, सबलिंगुअली मतलब अंडर द टंग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है जो कि हार्ड मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, बीटा ब्लॉकर्स भी दिया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, और स्टेटिन्स कैटेगरी की ड्रग दी जाती हैं जो कि क्या करती हैं जो प्लैग बन रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं, वो क्या करेंगी जो हमारा LDL है VLDL है बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको क्या करेगी कम करेगी। ओके, थैंक यू।